दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इस समय के 10 सबसे अमीर लोगों के बारे में बताने वाले हैं। हमें यकीन है कि इस लिस्ट के कुछ नाम देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी ये लिस्ट मशहूर बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स की वेबसाइट पर मौजूद रियल टाइम डेटा के आधार पर बनाई गई है। खैर, चलिए अब बिना कोई समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। दोस्तों, फ्रांस की रहने वाली फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स नाम की ये महिला इस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों की इस लिस्ट में 10वें स्थान पर हैं। साथ ही फ्रैंकोइस इस लिस्ट में मौजूद सबसे खास इंसान भी मानी जाती हैं, क्योंकि वह दुनिया की अकेली महिला है जो इस लिस्ट में अपनी जगह बनाई हुई है। आप में से ज्यादातर लोगों ने तो फ्रैंकोइस का नाम ही पहली बार सुना होगा, लेकिन आज वह जिस कंपनी की मालकिन है उसके बारे में आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे। दरअसल दोस्तों, फ्रैंकोइस दुनिया के सबसे मशहूर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी लॉरियल की ओनर हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि ये कंपनी अलग अलग तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जैसे हेयर कलर, स्किन केयर, मेकअप और परफ्यूम्स आदि बनाती हैं। साथ ही मेबेलिन और गार्नियर जैसी मशहूर कॉस्मेटिक ब्रांड भी इसी कंपनी के अंडर में आते हैं। दरअसल लॉरियल कंपनी को आज से 111 साल पहले फ्रैंकोइस के नाना यूजेन सूलर द्वारा स्थापित किया गया था, और फ्रैंकोइस को ये कंपनी अपने नाना से विरासत में मिली थी। आज वह इस कंपनी के 33% शेयर की मालकिन होने के साथ ही नॉन एग्जीक्यूटिव चेयर वुमेन भी हैं। इस समय उनकी कुल नेटवर्थ $80 बिलियन है, जो हमारे भारत के लगभग 60,000 करोड़ रुपए के बराबर है। नंबर 9, सर्गी ब्रिन। दोस्तों, आज हमें कोई भी जानकारी हासिल करनी हो तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेट की मदद से उसके बारे में गूगल पर सर्च करते हैं। यही वजह है कि गूगल आज की पीढ़ी के लिए एक वरदान की तरह माना जाता है। अगर आप भी अपनी किसी जरूरत के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी सर्गी ब्रिन नाम के इस व्यक्ति को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही वो इंसान है जिन्होंने गूगल को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, साल 1953 में रूस के अंदर जन्मे सर्गी ब्रिन अपने दोस्त लैरी पेज के साथ मिलकर 1998 में गूगल सर्च इंजन बनाया था। और दोस्तों इतना ही नहीं, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के फाउंडर भी यही दोनों हैं। सर्गी ब्रिन की अगर बात करें तो वह एक मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट और इंटरनेट एंटरप्रेन्योर हैं। गूगल सर्च इंजन के अलावा गूगल का मशहूर पेज रैंक भी सर्गी ब्रिन के द्वारा ही बनाया गया था। दरअसल साल 1996 में सर्गी ब्रिन और लैरी पेज ने गूगल को एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में बनाना शुरू किया था। उस समय ये दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में PhD के स्टूडेंट थे, और तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे चलकर गूगल इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। दोस्तों, आज गूगल की बदौलत ही सर्गी ब्रिन दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार किए जाते हैं। इस समय उनकी नेटवर्थ $95 बिलियन है, जो हमारे देश के लगभग 7,21,000 करोड़ रुपए के बराबर है। नंबर 8, लैरी पेज। दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि सर्गी ब्रिन ने अपने दोस्त लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल अल्फाबेट और पेज रैंक को कब और कैसे बनाया था। अब हम आपको उनके पार्टनर लैरी पेज के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि लैरी पेज अमीरी के मामले में अपने दोस्त सर्गी ब्रिन से भी एक कदम आगे चल रहे हैं। दरअसल अपने पार्टनर सर्गी ब्रिन की तरह ही लैरी पेज भी आज दुनिया के सबसे कामयाब व मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट में शुमार किए जाते हैं। साल 1973 में अमेरिका के मिशिगन में जन्मे लैरी की उम्र इस समय 48 साल है, और दोस्तों लैरी को कंप्यूटर की ये नॉलेज अपने माता पिता से मिली थी। दरअसल लैरी के पिता ने कंप्यूटर साइंस में PhD की थी, और वह मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हुआ करते थे। साथ ही उनकी माँ भी उसी कॉलेज में प्रोग्रामिंग सिखाया करती थी। माता पिता के इस फील्ड में होने की वजह से लैरी को भी काफी कम उम्र में कंप्यूटर साइंस में दिलचस्पी हो गई थी, और फिर इस फील्ड में उन्होंने जो कारनामे किए वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। दोस्तों, इस समय उनकी नेटवर्थ $98 बिलियन हैं, जो हमारे भारत के लगभग 7,44,000 करोड़ रुपए के बराबर हैं। दोस्तों, क्या आप एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहते हैं? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, क्योंकि जाहिर है कोई भी व्यक्ति इसके लिए हाँ ही बोलेगा। अब सवाल आता है कि हम तो पहले से ही एक जॉब कर रहे हैं, ऐसे में हमें दूसरे काम के लिए समय और एनर्जी कहाँ से मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अपस्टॉक के साथ जुड़ने के बाद इस चिंता को आप भूल ही जाइए। दरअसल अपस्टॉक्स एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आया है। इसके लिए आपको अपस्टॉक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करके ऑथोराइज्ड पर्सन बन जाना है, और फिर अपने रेफरल लिंक को सोशल सर्कल और बिजनेस नेटवर्क में शेयर करना है। दरअसल अपस्टॉक सिंपल, स्विफ्ट एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके साथ 29 लाख से ज्यादा कस्टमर जुड़ चुके हैं।
और आप भी अपस्टॉक्स के साथ पार्टनर बनके 500 रुपए हर सक्सेसफुल रेफरल पर कमा सकते हैं। अब मान लीजिए आपके लिंक से 10 लोगों ने अकाउंट ओपन किया, तो ऐसे में 5000 तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। साथ ही आपके रेफर्ड कस्टमर जितने बार ट्रेड करेंगे उसका भी आपको ब्रोकरेज कमीशन मिलता रहेगा। अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस पूरी तरह से डिजिटल है और यह कुछ मिनटों में ही पूरा हो जाता है। जैसे ही आपके लीड्स सफलतापूर्वक अपस्टॉक्स के कस्टमर बन जाते हैं, फिर वे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, डिजिटल गोल्ड, IPO, फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे कई सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का फायदा सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से उठा सकते हैं। अपस्टॉक्स के साथ लाखों लोगों का किसी भी समय और कहीं से भी निवेश करने का सपना पूरा हो रहा है। दोस्तों, लॉकडाउन के टाइम बहुत सारे लोग अपस्टॉक्स के डिजिटल इन्वेस्टिंग मूवमेंट के साथ जुड़े और अपने निवेश की शुरुआत की। और हाँ, सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि आपको यहाँ स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स पे जीरो ब्रोकरेज और इंट्राडे तथा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पर सिर्फ 20 रुपए पर ऑर्डर देने पड़ते हैं। इसके अलावा अपस्टॉक्स के पावरफुल टूल जैसे कि चार्ट्स, फाइनेंशियल डेटा, न्यूज और वीडियो सीरीज भी आपके निवेश में आपकी सहायता करते हैं। यानी कि आसान भाषा में अगर कहें तो अपस्टॉक्स है तो इजी है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी जाइए और अपस्टॉक के साथ अपनी कमाई को बढ़ाइए। दोस्तों, स्टार्ट करके तो देखिए। नंबर 7, वॉरेन बफेट। दोस्तों, वॉरेन बफेट एक ऐसा नाम है जो हमेशा दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल रहता है। आप में से बहुत से लोगों ने ये नाम पहले भी कई बार सुना होगा और बहुत से लोग तो वॉरेन बफेट के बारे में अच्छी तरह जानते भी होंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि वॉरेन बफेट एक मशहूर इन्वेस्टर और अमेरिकन बिजनेस टाइकून है। वह अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार की जाने वाली बर्कशायर हैथवे कंपनी के ऑनर, चेयरमैन और CEO हैं। साल 1930 में जन्मे वॉरेन बफेट की उम्र 90 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन इस उम्र में भी वह जिस तरह अपनी इस कंपनी को संभाल रहे हैं वो वाकई एक कमाल की बात है। दोस्तों, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ एक नंबर होती है। वॉरेन बफेट एक सफल बिजनेसमैन होने के साथ साथ दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर भी माने जाते हैं। इसके अलावा वह अपने समाज सेवी कार्यों के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। दरअसल दोस्तों, वॉरेन बफेट जरूरतमंद लोगों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं और इसके लिए वह अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा दान कर देते हैं। आज की अगर बात करें तो इस समय उनकी नेटवर्थ $101 बिलियन यानी लगभग 7,63,000 करोड़ रुपए है, जिसके चलते वह इस लिस्ट में 7वें स्थान पर मौजूद हैं। नंबर 6, लैरी एलिसन। लैरी एलिसन एक मशहूर अमेरिकन बिजनेसमैन है जो इस समय दुनिया के सबसे अमीर लोगों की इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर बने हुए हैं। साल 1944 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जन्मे लैरी एलिसन ओरेकल कॉरपोरेशन के को फाउंडर, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। लैरी की उम्र 76 साल से ऊपर हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी अपनी कंपनी को बहुत अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि लैरी की कंपनी ओरेकल कॉरपोरेशन सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे फील्ड में बिजनेस करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब लैरी सिर्फ 9 महीने के थे तब उनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया था। माँ के छोड़ने के बाद उनकी परवरिश उनकी एक आंटी ने की, जिसके चलते उनका बचपन काफी कठिनाइयों में गुजरा था। और अपनी सभी परेशानियों को पीछे छोड़कर जिस तरह उन्होंने कामयाबी हासिल की है वो वाकई लोगों के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, इस समय उनकी नेटवर्थ $104 बिलियन है, जो भारत के लगभग 7,86,000 करोड़ रुपए के बराबर है। नंबर 5, मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग के बारे में आप सभी लोग अच्छी तरह जानते ही होंगे, क्योंकि मार्क ही वो व्यक्ति है जिन्होंने साल 2004 में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर सोशल मीडिया साइट फेसबुक को बनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्क ने शुरुआत में फेसबुक सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि कॉलेज में उन्हें और उनके दोस्तों को गर्लफ्रेंड ढूंढने में आसानी हो। उन्होंने उस समय सोचा भी नहीं था कि फेसबुक एक दिन उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बना देगी। आज की अगर बात करें तो फेसबुक को गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के साथ अमेरिका की 5 सबसे बड़ी IT कंपनियों में शुमार किया जाता है। आज ये कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसके जरिए मार्क जुकरबर्ग इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मैसेंजर को भी खरीद चुके हैं। दोस्तों, जिस समय मार्क ने फेसबुक को लॉन्च किया था वो उसी समय काफी फेमस हो गया था। यही वजह थी कि मार्क ने फेसबुक के चक्कर में अपनी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही कॉलेज छोड़ दिया था। आज की अगर बात करें तो इस समय मार्क जुकरबर्ग की नेटवर्थ $109 बिलियन है, जो भारत के लगभग 8,31,000 करोड़ रुपए के बराबर है। नंबर 4, बिल गेट्स। दोस्तों, बिल गेट्स एक ऐसा नाम है जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की बात करते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है।
इसकी वजह यह है कि बिल गेट्स इस लिस्ट में बहुत लंबे समय तक पहले स्थान पर रह चुके हैं। यूँ तो बिल गेट्स के बारे में दुनिया के ज्यादातर लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि वह एक मशहूर अमेरिकन बिजनेसमैन और सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। साथ ही वह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के को फाउंडर भी हैं। दोस्तों, बिल गेट्स ने अपने पार्टनर पॉल एलन के साथ मिलकर साल 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी, और कमाल की बात यह है कि एक छोटे से गैराज में शुरू हुई ये कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कहलाती है। हालांकि बिल गेट्स अब माइक्रोसॉफ्ट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अपने समय में वह इस कंपनी के चेयरमैन, सीईओ, प्रेसिडेंट और चीफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट रह चुके हैं। अब आज की अगर बात करें तो इस समय बिल गेट्स की नेटवर्थ $130 बिलियन है, जो भारतीय रुपयों में 9,82,000 करोड़ रुपए के आसपास होती है। नंबर 3, बर्नार्ड अर्नॉल्ड। दोस्तों, बर्नार्ड एक मशहूर फ्रेंच बिजनेसमैन और आर्ट कलेक्टर हैं, जिन्हें फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है। वह दुनिया में सबसे महंगी व लग्जरी सामान बनाने वाली मोएट हेनेसी लुईस वुइटन कंपनी के चेयरमैन और सीईओ हैं। साल 2018 में जारा कंपनी के अमानसियो ओर्टेगा को पीछे छोड़कर वह फैशन इंडस्ट्री के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। इसके अलावा साल 2019 और 2020 में जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर वह कुछ समय के लिए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। साल 1949 में फ्रांस के रूबे शहर में जन्मे बर्नार्ड की उम्र 72 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनका अपने काम से रिटायरमेंट लेने का कोई भी इरादा नहीं है। साल 1971 में अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद बर्नार्ड ने अपना करियर अपने पिता की कंपनी में काम करते हुए शुरू किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज की बात करें तो इस समय उनकी कुल नेटवर्थ $175 बिलियन हैं, जो हमारे भारत के 13,21,000 करोड़ रुपए के आसपास हैं। नंबर 2, इलोन मस्क। दोस्तों, इलोन एक मशहूर बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल डिजाइनर, इंजीनियर और इन्वेस्टर हैं। वह स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर, सीईओ और लीड डिजाइनर होने के साथ ही टेस्ला कंपनी के सीईओ और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट भी हैं। दोस्तों, लोग उन्हें मॉडर्न जमाने का जीनियस मानते हैं। यही वजह है कि पिछले एक साल से दुनिया में उनका नाम सबसे ज्यादा चर्चे में रहा है। दरअसल अभी कुछ महीने पहले वह अमेजन कंपनी के जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, लेकिन फिलहाल उनकी कंपनी के शेयर्स की कीमत गिरने की वजह से वह दूसरे स्थान पर आ गए हैं। असल में इलोन मस्क की नेटवर्थ मुख्य रूप से टेस्ला और स्पेस एक्स पर निर्भर करती है। अब इस समय की अगर बात करें तो फिलहाल उनकी नेटवर्थ $175 बिलियन हैं, जो हमारे देश के 13,24,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 1, जेफ बेजोस। दोस्तों, अमेजन कंपनी के ऑनर और फाउंडर जेफ बेजोस अभी भी दुनिया के सबसे अमीर लोगों के इस लिस्ट में पहले स्थान पर बने हुए हैं। वह जुलाई 2017 में पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे, और उसके बाद से उन्होंने किसी को भी अपनी इस पोजीशन को ज्यादा समय तक होल्ड करने नहीं दिया है। अभी कुछ महीने पहले स्पेसएक्स कंपनी के फाउंडर इलोन मस्क उनको पीछे करते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, लेकिन कुछ ही समय में जेफ ने अपनी इस पोजीशन को फिर से हासिल कर लिया है। दोस्तों, इस समय जेफ बेजोस की नेटवर्थ $194 बिलियन है, जो हमारे भारत के लगभग 14,68,000 करोड़ रुपए के बराबर हैं। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.